लूं। हाँ जी, देखिए बच्चे, आज की क्लास में आपके जो मोड के जो क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस को। जैसे आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मिस है, तो इस क्वेश्चन में बहुत आप इसको क्या करना है, ये आपके पास है जो फ्रीक्वेंसी मिस है, इसका नाम आप F1 दे दीजिए, इसका नाम आप F2 दे दें, इसका नाम आप F3 दे दें। अब जैसे कि सवाल में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगा और आपको गिवन भी है मीडियन, तो चलिए मीडियन गिवन है तो मीडियन से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीडियन जो है आपके पास में क्या है, मीडियन कैसे निकलता है, सी एफ से निकलता है, तो 4 है और 16 तो क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस F1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में 20 प्लस F1 प्लस F2, और ये क्या होगा आपके पास में 20 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, और यहां पर आपके पास में 26 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, और यहां पर आपके पास में 30 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर है? तो यहां पर आपको पता है कि जो आपके पास में लास्ट में जो CF होता है वो सम के इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इसलिए आप यहां पर एक कंक्लूड कर सकते हैं कि 230 के इक्वल क्या होगा 30 प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3, और आपका यहां पर F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 200। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास में, मीडियन अगर आप निकालने जा रहे हैं तो आपके पास में होता है L प्लस N बाय 2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। तो यहां पर आप निकालने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में M क्या है आपके पास में, मीडियन ऑलरेडी गिवन है आपके पास में 33.5 L। अब मीडियन को देख के पता लगता है कि आपका इंटरवल कौन सा है, तो 33.5 इसमें आएगा ना, इस इंटरवल में, दिस वन, तो आपके पास में L उसका लोअर लिमिट होता है 30, N उसका फ्रीक्वेंसी का सम 230 बाय 2 CF, जो इंटरवल सेलेक्ट करा उससे ऊपर वाला CF होता है, तो 20 प्लस F1, लेकिन दो चीज इकट्ठे माइनस नहीं होती है उसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं, और अपॉन में F, जिस इंटरवल को सेलेक्ट करा वो F होता है, तो क्या हुआ यहां पर ये F2 है, और इंटू आई क्या आपका गैप आपका 10 का इंटरवल में, इसको यहां पर आप ले जाकर के माइनस करेंगे तो क्या आपके पास में आएगा 3.5 इक्वल्स टू, यहां सॉल्व करेंगे आप तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 115, और ये माइनस 20 एंड आपके पास है माइनस F1, और अपॉन में क्या रहेगा आपका F2, और इंटू क्या रहेगा आपका 10। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे इसको आप तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 3.5 इक्वल्स टू आपके पास में 95 माइनस F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका इंटू आपका आ रहा है 10। तो क्या रिजल्ट बनाएगा आपका, क्या आपका रिजल्ट बनाएगा 3.5 F2 इक्वल्स टू 950 माइनस 10 F1। बात समझे? क्लियर है बच्चे? तो ये आपका डेसिमल में आपको लेकर के ये आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बच्चे पूछो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो इक्वेशन बेसिकली आपके पास में क्या रहा है, यहां पर इक्वेशन समझ में आ गया आपके, आपको कोई डाउट, इक्वेशन आपका रहा 10 F1 प्लस हो गया प्लस 3.5 F2 एंड कांस्टेंट नंबर एक तरफ दिस वन, ये आपका एक इक्वेशन रहा। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन रहा। चलिए आगे आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, आगे आपके क्वेश्चन में गिवन है बच्चे मोड, तो मोड के फॉर्मूले पे आते हैं हम। मोड क्या होता है, मोड मोड बेसिकली आपके पास में रहने वाला है यहां पर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2
एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इनटू आई, ये रहता है आपके पास में। तो ये आपके पास है मोड है, तो मोड की वैल्यू आप निकालेंगे। आपको पहले पता तो हो इंटरवल क्या है आपका, तो इंटरवल कैसे पता लगता है? मोड की वैल्यू देखिए क्या है, 34 मतलब इसमें ही आता है, तो यही आपका इंटरवल है। ठीक है, मोड की वैल्यू देख के आपको मालूम पड़ जाएगा क्या 34 है, तो यही आपका इंटरवल है। तो मोड क्या आपका 34 और लो लिमिट क्या आपका 30 है, और आपका एफ वन क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी 1, तो जो जिस इंटरवल में होता है उसका ये एफ वन होता है, तो इसमें ये आपका इसका क्या ये एफ वन है, तो एफ टू एफ वन है। ठीक है बच्चे, एफ टू एफ वन है। तो यहां पर पैसे हम सही कर रहे थे क्वेश्चन को, क्या है हमारे पास में एफ टू और एफ जीरो क्या है उससे ऊपर वाला एफ जीरो, तो एफ वन है और टू एफ वन क्या है एफ टू, एफ जीरो क्या है एफ वन और एफ टू क्या है एफ थ्री। एफ टू देखिए क्या है, इससे नीचे वाला एफ थ्री और इनटू आई टेन। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 इक्वल्स टू एफ टू माइनस एफ वन अपॉन टू एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ थ्री इंटू टेन। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहने वाला है मेरे पास में, 8 एफ टू माइनस 4 एफ वन माइनस 4 एफ थ्री इक्वल्स टू 10 एफ टू माइनस 10 एफ वन। अब यहां पर मैं 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूं और 1 में 1 को सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 4 एफ थ्री इक्वल्स टू 2 एफ टू, इसमें लिया प्लस हुआ तो माइनस 6 एफ वन। सॉल्व करता हूं यहां पर मैं तो क्या जाएगा, इसको इधर लेकर आता हूं, 6 एफ वन माइनस 2 एफ टू माइनस 4 एफ थ्री, इधर लेकर आया तो प्लस हो गया, ये यहाँ माइनस हो गया, तो अपनी जगह था ही माइनस में, इक्वल्स टू क्या है 0। तो ये इक्वेशन समीकरण कौन सा बन गया, ये एक समीकरण बन गया तीसरा समीकरण। टोटल 3 इक्वेशन बनाए अभी तक मैंने, तीनों इक्वेशन क्या है वो देख लीजिए आप। पहला इक्वेशन क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल्स टू 200 है। ठीक है जी, दूसरा इक्वेशन क्या है, 10 3.5 एंड 950, 10 एफ वन प्लस 3.5 एफ टू इक्वल्स टू 950। ठीक है जी, यही है 10 प्लस 3.5 एफ टू प्लस 900 इक्वल्स टू 950। अब अगला कौन सा है, 6 एफ वन माइनस 2 एफ टू, 6 एफ वन माइनस 2 एफ टू माइनस 4 एफ थ्री माइनस 4 एफ थ्री इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, क्लियर है, 3 इक्वेशन है। अब मुझे कोई इसमें वैल्यू को एलिमिनेट करना है, तो हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, किसी को भी आप जो है इसमें कंपेयर करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन गार्ड करके, कोई वेरिएबल क्या सेम आप कर सकते हो, ये देखो अगर आपने इसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया तो आपका एक वेरिएबल चला जाएगा इसमें से, तो एक की वैल्यू आ जाएगी, इनमें से कुछ करके देखते हैं। क्लियर है, जहां दो वेरिएबल है फिर यहां से भी एक को हम करके इजिली हो जाएगा, देखो उतनी टेंशन मत लीजिए। आप क्या करो, आप एक काम करो, बस बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, सेम वेरिएबल आपको क्या करना है कि आपको किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, चाहे आप यहां कर लीजिए चाहे आप यहां कर लीजिए, कहीं भी आप कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे होगा, इसका 2 आप यहां दे दो, ठीक है, नहीं तो आप मोटा मोटा नहीं फ्रैक्शन में पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, 10 आप 6 यहां दे दीजिए 10 यहां दे दीजिए, इंटरचेंज कर लो एलिमिनेशन मेथड। तो 60 एफ वन प्लस 30 3 18 और 3 21 210 होगा ना 35 6। क्लियर है बच्चे, तो 35 इंटू 6 कैलकुलेटर,
3.5 इंटू सिक्स, हाँ 21 हो गया. 21 एफ टू इक्वल्स टू 950 इंटू छः, 950 गुणा छः 5700. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 60 एफ वन माइनस 20 एफ टू माइनस 40 एफ थ्री इक्वल्स टू जीरो. इन इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं तो पहले साइन डिफरेंट कर देते हैं ताकि एक एलिमिनेट हो जाए, ठीक है. अब मैं इस इक्वेशन को ऐड करता हूं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, तो अगर मैं ऐड कर पहले साइन डिफरेंट कर देता हूं, दिस वन माइनस और आपके पास में ये प्लस, सारे साइन चेंज कर देता हूं, प्लस इधर माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा. तो क्या आ जाएगा, 21 और आपके पास में 20, 41 एफ टू, ठीक है, यहां एलिमिनेट हो गया, और माइनस सॉरी प्लस 40 एफ थ्री और 5700. तो एक तो आपके पास में एफ टू और एफ थ्री की वैल्यू आई है. और क्या आप कर सकते हो एफ टू और एफ थ्री के लिए, आपको एफ वन एलिमिनेट करना है ना, तो यहां से भी कर दो आप, एफ टू और एफ थ्री की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी इसमें, पहले दोनों में एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री इक्वल्स टू 200, और यहां पर आपके पास में क्या है, 10 एफ वन प्लस 3.5 एफ टू और प्लस इक्वल्स टू 950. एक काम करें इसमें आप कि F1 यहां भी एलिमिनेट करता है, यहां भी कर दो एलिमिनेट, तो F2 F3 की वैल्यू रहेगी हमारे पास में. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, है ना, तो करेंगे तो 10 F1 प्लस 10 F2 प्लस 10 F3, और यहां पे क्या होगा, 10 FN ऑलरेडी था, 3.5 F2 और आपके पास में 950. बस इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हुआ 2000. अब साइन चेंज करता हूं, माइनस ये माइनस क्यों चेंज करना पड़ा, ताकि एलिमिनेट हो जाए, तो बट सबका लेफ्ट राइट सबका करूंगा तो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इसका, क्लियर है बच्चे. तो अब यहां पर आप क्या करेंगे, 10 में से आपके पास में 3.5 गया तो 7 6.5 एफ टू, क्लियर है, और आपके पास में माइनस हो गया ये तो आपके पास में प्लस 10 F3, तो ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद आपके पास में माइनस कर दिया आपने 950, तो आप 2000 में से 1000 गया 1000 और 1050, ये बचा आपके पास में. अब दो इक्वेशन आपके पास में आ गया बच्चे, बहुत लंबा खींचा है सवाल बट कोई बात नहीं. दिस वन F2 और F3 के ऊपर, अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे, क्या आपके पास में 40 वन एफ टू प्लस 40 एफ थ्री इक्वल्स टू 5700. अब किसी को वेरिएबल को इक्वल करना है आपको, तो वो कैसे करोगे आप ऐसे कर सकते हो कि ये 40 है ना, इसको 40 करने के लिए आप यहाँ पे काम कर दीजिए सिंपल, कि इसको 40 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, 24 और 4 दो 26 एफ टू, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 26 एफ टू प्लस 40 एफ थ्री, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, तो 4000 और ये 242, और नीचे क्या आपके पास में 41 एफ टू है प्लस 40 एफ थ्री है, उसको तो कोई चेंज नहीं करा ना, बस मुझे इन दोनों को बराबर करना था किसी एक वेरिएबल को, तो मेरे को यहां 10 दिखा यहां 40 दिखा, तो इसको मैं 40 कर सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 4 करके, सबको कर दिया, इंपैक्ट न्यूट्रल हो गया और आपके पास में इक्वेट कर रहा है, और बाकी दूसरे में तो कोई फर्क आया नहीं, तो इसको 5700 रहने देते हैं. अब साइन चेंज करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि देखिएगा आपको एलिमिनेट करना है, साइन चेंज माइनस पर जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो आपका एफ थ्री तो गया, अब आपके पास में कितना है, 26 में से 41 आपके पास में गया, तो 4 30 और 10 40 14 और 15, तो माइनस 15 एफ टू आया, यहां पर आपके पास में 5700 में से 42 हो गया, तो माइनस में ही आएगा, 5700 में से 42 हो गया 1500, माइनस से माइनस कट गया, 15 से 15 कट गया, तो F2 की वैल्यू क्या आई आपकी,
एफ टू की वैल्यू बच्चे आपकी आई है 100। अब एफ टू की वैल्यू आपके पास में अगर 100 आ चुकी है तो किसी भी जगह पर जहां पर एफ टू है वहां पर अप्लाई कर दो, आपको एफ वन की वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पर अप्लाई कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। देखिएगा तो आपके पास में एफ टू की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है, तो 10 F1 और ये प्लस एफ टू की वैल्यू करोगे तो क्या बन जाएगा, 350 हो जाएगा। 100 रखते ही एफ टू की वैल्यू इक्वल्स टू 950, 50 गया आपका 900, 300 गया 600, 10 F1 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 60, F1 इक्वल्स टू 60। अब आपके पास में F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, तो अब आपके पास में F1 F2 आ गया, F1 कितना निकला आपका 60 और F2 कितना निकला आपका 100, तो 160 तो यही हो गया। बचा कितना आपके पास में यहाँ पर 40, तो आपके पास में F3 कितना आया, F3 आपका 40 आया, तो ये आपका F1, ये आपकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज आ गई हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है जी, तो ये आपका फाइनल क्या रहा, आपका आंसर रहा मिसिंग फ्रीक्वेंसी था, काफी लेंथी खिंचा सवाल, बट आपका ये होगा ऐसे ही। क्लियर है? अब आज की क्लास में इतना समय तो बच्चे मिला नहीं। हेलो 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 ठीक है बच्चे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया किस तरीके से? कोई डाउट है तो पूछ लो। लाइव क्लासेस का फायदा इसलिए होता है कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए कोई डाउट है तो।